नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मॉनसून आ भी चुका है और पूरे प्रदेश में छा भी चुका है। यही वजह है कि हर जिले में झमाझम बारिश देखी जा रही है। लेकिन मॉनसून के सीजन के पहले ड्रेनेज और नालों की सफाई जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है जर्जर इमारतों को चिन्हांकित कर उन्हें जमींदोज करना, वरना ये कब हादसे का सबब बन जाए ये कोई नहीं समझ सकता। इतिहास ये भी बताता है कि कई जिंदगियां जर्जर मकानों की भेंट चढ़ चुकी हैं। तो क्या है इसे रोकने के नियमों का पालन, क्या निकाय इसके लिए प्लान कर रहे हैं, अब तक क्या कुछ हुआ है, कितना काम अधूरा है, जिम्मेदार जागे हैं या फिर सोए हुए हैं, न्यूज 18 कर रहा है इसकी पड़ताल। और न्यूज 18 की टीम ने अलग अलग शहरों में जब पड़ताल शुरू की तो जर्जर भवनों को लेकर निगम की गंभीरता भी सामने आ गई। आइए आपको जबलपुर में लिए चलते हैं, क्या हालात है वहां पर, इन जर्जर मकानों को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है ये दिखाते हैं। बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के हर जिले में मानसून की आमद हो चुकी है और कई जगहों पर तो अच्छी बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में जर्जर मकानों के हालात जानने के लिए न्यूज 18 की टीम निकल पड़ी। जर्जर मकान जो भारी बारिश होने पर हादसे का सबब बन जाते हैं और इनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लिहाजा संस्कारधानी यानी जबलपुर में बारिश शुरू होते ही एक बार फिर से जर्जर भवनों को गिराने की चर्चा शुरू हो चुकी है। शहर में कई जगहों पर दशकों पुराने मकान हैं जो जर्जर हो चुके हैं और बारिश के दौरान हादसों का सबब बन सकते हैं। जाहिर है ऐसे मकानों को प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में गिरा देना उचित है। हालांकि प्रशासन इन जर्जर इमारतों को लेकर गंभीर नजर नहीं आता, क्योंकि मॉनसून की आमद के बावजूद, अच्छी बारिश के बावजूद निगम केवल मकानों को चिन्हित करके अपने काम को पूरा समझ चुका है। देखिए, मकान तो टूटेंगे ही, बेशक टूटेंगे, क्योंकि जर्जर स्थिति में जो मकान है उनसे कभी जनहानि हो सकती है। इसलिए हमने ऐसे जर्जर मकान जिनके प्रकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं, हमने उन मकानों पर हम लोगों ने वेरिफिकेशन शुरू कर दिया। इसके साथ ही स्पॉट पर हम जा कर के जो भवन स्वामी हैं और भी जहाँ जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें हमने सूचित कर दिया है कि आप ये खाली कर दें, अन्यथा कभी भी इससे जनहानि हो सकती है। उनके द्वारा, कुछ लोग के द्वारा हमसे समय मांगा गया है कि एक दो दिन का हमें समय दिया जाए ताकि हम अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर लें। और इसके अतिरिक्त ऐसे मकान जो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, उनके लिए हमने पुलिस विभाग में ही बात की है। जल्द ही इसमें कार्रवाई लगभग सभी में शुरू हो जाएगी। दरअसल नगर निगम के अतिक्रमण दल ने ऐसे 3 दर्जन जर्जर मकान चिन्हित किए जो बेहद जीर्ण शीर्ण हालत में हैं और ये कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। हालांकि निगम की तरफ से मकान के मालिकों को नोटिस देकर इन्हें तोड़ने के निर्देश दिए गए और चेतावनी दी गई कि यदि जर्जर मकान के मालिक खुद इन्हें नहीं तोड़ते तो नगर निगम इन्हें जमींदोज करने की कार्रवाई करेगा। लेकिन ये कार्रवाई कब होगी पता नहीं, क्योंकि मॉनसून तो आ ही चुका है और जिस भी दिन भारी बारिश होगी उस दिन ही जर्जर मकानों के जमींदोज होने का खतरा सबसे ज्यादा हो जाएगा। हालांकि शहर के कुछ जिम्मेदारों ने खुद अपने जर्जर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की ताकि कोई जनहानि न हो, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में ऐसे मकान खड़े हैं जो हादसों को दावत देते दिखते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मकान जर्जर होते हैं उन्हें पहले नोटिस दिया जाता है कि आप इसे रिपेयर करके रहने लायक बना लें। तो जो मकान रहने लायक बन चुके हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो अभी जिन्होंने रिपेयर नहीं कराया है उनमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। वैसे आपको बताएं कि बीते सालों में जर्जर मकानों के बारिश में गिर जाने से कई हादसे हो चुके हैं और लोगों की जान गई है, लेकिन हर बार प्रशासन ऐसे हादसों के बाद लाठी पीटने का काम करते हुए दिखाई देता है। इस बार भी प्रशासन ने जर्जर मकानों को चिन्हित तो कर लिया है, लेकिन इन्हें गिराया जाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल ही है। जबलपुर से न्यूज 18 के लिए पवन पटेल की रिपोर्ट। पाने वाले इंदौर के हाल, इंदौर जो शहर रहने लायक शहरों की टॉप 10 लिस्ट में शुमार होता है, लेकिन क्या यहां पर मॉनसून के सीजन में महफूज है लोगों की जान, जर्जर मकान को लेकर कैसे हैं हालात, आइए इसकी करते हैं पड़ताल। इंदौर जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है, ऐसे में न्यूज 18 की टीम ने शहर का मुआयना करते हुए ये जानने की कोशिश की कि जो शहर रहने लायक शहरों की टॉप 10 लिस्ट में आता है वहाँ के हालात कैसे, हमने क्या पाया आइए आपको दिखाते हैं। चकमक इंदौर, मिनी मुंबई इंदौर, स्वाद में नंबर 1 इंदौर, इंदौर में भी लोग
जर्जर मकानों में रहने को मजबूर है। आलम यह है कि मकान बारिश में कभी भी खतरा बन सकते हैं। हैरानी की बात यह भी कि नगर निगम ने करीब 170 मकानों की लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट के मुताबिक ये मकान इतने जर्जर हैं कि हादसे को खुला निमंत्रण दे रहे हैं और इन्हें गिराना जरूरी है। बावजूद इसके लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इन घरों में रह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किस इलाके में क्या हालात है। शहर में सबसे ज्यादा खतरनाक मकान पाटनीपुरा, नंदनलालपुरा, नंदलालपुरा, कोयला बाखल, जवाहर मार्ग और सराफा इलाका है। यहाँ घरों में रह रहे किरायेदार 10-15 रुपए प्रतिमाह के किराए के लालच में अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। कई मकानों के केस कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे में नगर निगम इन्हें तोड़ने से बचता रहता है। वहीं ऐसे कई मकान भी हैं जिन्हें तोड़ने के लिए अब अमला पहुंचा है। जब अमला पहुंचता है तो मकान मालिक विवाद करने लगते हैं। दिलचस्प ये भी है कि सफाई के मामले में सख्त निगम मकान मालिकों को 5-5 साल से नोटिस थमा रहा है, लेकिन गिराने की कार्रवाई नहीं की जा सकी। एक बिल्डिंग राजवाड़ा के पास प्रिंस यशवंत रोड पर मच्छी बाजार चौराहे पर भी बनी है, जिसे नगर निगम 5 साल पहले ही खतरनाक घोषित कर चुका है। इस बिल्डिंग की छत का प्लास्टर गिर चुका है और सरिये नजर आने लगे। दीवालों में पेड़ उग रहे हैं। बावजूद इसके आज भी इस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं और तो और इसके ग्राउंड फ्लोर पर 6 दुकानें भी संचालित हो रही हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को खतरों का खिलाड़ी ही कहा जाएगा, क्योंकि लोगों को अपनी ही जान की परवाह नहीं है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये कि इस इमारत में रहने वाले लोगों के यहाँ रहने के तर्क भी है। अरे साहब, ये सब यहाँ पे यहाँ के ये इसका निखिल का काम है। ये जानबूझ के करा रखे हैं भाई जर्जर इसको, और इसको कोई इसमें खतरे वाली बात ही नहीं है। अच्छा है भी तो ऊपर का है, तो ऊपर के रिपेयर करवानी चाहिए उनको। तो ऊपर अगर तो उसको सही करें तो बात अलग है, इसको करने से तो बिल्डिंग तो तोड़ने का काम ही नहीं। ऊपर का जो माला है वो पूरा कमजोर हो गया है। अच्छा। बाकी ऊपर दूसरी मंजिल पहली जो है वो कमजोर है, लेकिन नीचे जो अंदर है वो कम्प्लीट है। वो ऐसी कोई बात नहीं है, नीचे का ऊपर का कमजोर है वो तो। आप इसमें रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी गिरती है तो आज तक किसी को लगी ही नहीं यहाँ पे। इस मकान में ऐसी खूबी है। पहली बार तो करीब करीब 7-8 साल पहले दिया था, तो फिर वो हर साल आते रहते हैं नोटिस, तो उनको जो कार्रवाई करना रहता है वो कर देते हैं। ऊपर ऊपर का जो खतरनाक हिस्सा जैसे छज्जे बालकनी वगैरह थे वो ऑलरेडी पहले ही गिरा चुके हैं। अब जो बचा है तो वो हम उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। ऊपर ऊपर का हिस्सा जो जल जाए वो करो आप। नीचे खोलने का भी तो तरीका है। एक बात बताइए आप मेरे को, शरीर का कोई अंग खराब है तो आप पूरा शरीर इंसान को मारोगे या वो अंग को काट के अलग करोगे? बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भले ही खतरा महसूस ना होता हो, लेकिन पड़ोसी हमेशा खौफ में रहते हैं। उनका कहना है कि ये बिल्डिंग 25 से 30 साल से जर्जर हालत में है, लेकिन नगर निगम नोटिस देकर इतश्री कर लेता है। अरे 25-30 साल से जर्जर है साहब, और जब से कार्रवाई चल रही है इसकी होता जाता कुछ है नहीं, और ना ही कभी किसी को नुकसान पहुंचाती है बिल्डिंग। अब ये सब क्या पता, राजनीति, गुंडे, खरीदने वाले, बेचने वाले, सब उल्टे सीधे काम चल रहे हैं उसके अंदर के आज टूट जाएगी, कल टूट जाएगी, आज टूट जाएगी कल। और नगर निगम भी 4-4, 5-5 बार नोटिस दे देती, फिर भी समस्या वही को वही रहती। हालांकि हर साल मानसून के पहले खतरनाक मकानों को गिराने का काम किया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात ये भी है कि लोग भी खतरनाक मकानों में रहने से डरते नहीं, उनके अपने तर्क हैं। लेकिन इस बीच शहर को कई इलाकों में खतरनाक रूप से जर्जर हो चुकी इमारतें हादसे को खुला निमंत्रण देती खड़ी है, जो पता नहीं कब जमीन हो जाए। न्यूज 18 के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। न्यूज 18 की खास रिपोर्ट आपने देखी, और दोनों ही शहरों में जर्जर मकानों को लेकर क्या स्थिति है ये भी आप स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे। लेकिन निगम की तरफ से आखिर लापरवाही क्यों की जाती है, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, क्यों इन्हें मानसून से पहले डहाया नहीं जाता है, ये एक बड़ा सवाल है जिसे लेकर अभी भी संशय की स्थिति। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले बयान उन लोगों की तरफ से भी जो कि इन मकानों में रह रहे हैं। बहुत बुरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं बिल्डिंग्स, इसके बावजूद भी यहां पर गुजर बसर इसी तरह से चल रहा है। और ज्यादा विस्तार से हम इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। हमारे दोस्त सहयोगी जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पवन पटेल हैं जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हम इंदौर और जबलपुर की स्थिति बता चुके हैं, राजधानी भोपाल में भी क्या कुछ ऐसे ही मकान हैं, कुछ ऐसी ही बिल्डिंग्स हैं जिन्हें गिराना जरूरी? बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पर मौत के खंडहर भोपाल में काफी ज्यादा हैं। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये है बाणगंगा इलाका, ये देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है, हर हिस्सा इसका टूट कर गिर चुका है। बावजूद उसके लोग उसमें अभी भी अपना आसियाना बनाकर रह रहे हैं। और दूसरी हैरत की बात यह है कि दिया तले अंधेरा कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग जहाँ एक तरफ जर्जर है
दूसरी ठीक उसके सामने नगर निगम का दफ्तर है। ये दफ्तर रोजाना खुलता है और यहीं पर सामने दफ्तर है, यहाँ पर अधिकारी भी बैठते हैं, तमाम सरकारी अधिकारी बैठते हैं। उसके ठीक सामने ये जो है जर्जर इमारत बनी हुई है, लोग यहाँ रहते हैं, बड़े फैमिली के साथ रहते हैं, मगर कभी भी हादसा हो सकता है। इन जर्जर इमारतों को गिरने में शायद कभी वक्त ना लगे, मगर हादसे के पहले नगर निगम को सोचना चाहिए कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें मकान कहीं शिफ्ट कर दिया जाए या फिर इस बिल्डिंग के आसपास लिख दिया जाए कि कहीं ना कहीं ये खतरनाक है या क्षतिग्रस्त है, मगर ऐसी कोई सूचना यहाँ नहीं लिखी गई है। लोग आज भी इसमें धड़ल्ले से रह रहे हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। इस बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हैं, किस तरह से छज्जे गिर चुके हैं, छत गिर चुकी है और पूरा उसका जो है बिल्डिंग का पूरा जो है सिस्टम हिल चुका है, मगर उसके बावजूद अभी दूसरी बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। उसके बगल की बिल्डिंग पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है। ऐसी भोपाल में अगर बात करें तो अभी तकरीबन कई ऐसे मकान है जहां पर लोग रहने को मजबूर है, पुलिस कॉलोनी में भी ऐसे मकान है, मगर जो है नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है इन तमाम बिल्डर्स को चिन्हांकित किया जाए, उसके बाद कार्रवाई भी हो। सीधे जबलपुर लिए चलते हैं, आपको पवन मारसाई भी लगातार जुड़े हैं। पवन, पूरी रिपोर्ट हमने देखी और यही कमी पाई कि लगातार सूचित करने के बावजूद निगम की तरफ से एक्शन। बिल्कुल अवंतिका, ये कोई पहली बार नहीं है, हालांकि इस बार जो है नगर निगम ने चिन्हित करके तत्काल में एक्शन करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन ऐसी तस्वीरें बीते कई सालों से देख रहे हैं। बारिश हो या ठंड का मौसम हो, कई बार ऐसे हादसों में लोगों की जान भी जा चुकी है। ये जर्जर मकानों की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 100 से ज़्यादा ऐसे निर्माण हैं जो कई सालों पुराने हैं, जिन्हें अगर कहा जाए कि दशकों पुराने हैं, एक पूरे शताब्दी पुराने मकान भी हैं जो जर्जर हालत में खाली पड़े हुए हैं। लेकिन कई ऐसे मकान भी हैं जहां लोग रह रहे हैं और नगर निगम का नोटिस मिलने के बाद भी आश्वासन तो दे देते हैं कि हम रिपेयर करेंगे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन खुद भी लापरवाही बरत रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम सख्ती से ऐसे मकानों को खाली करवा के उस पर रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिलती है। वहीं लोगों के तर्क हैं कि उनके पास कोई और घर नहीं रहते। बिल्कुल, यानी कि कई सारे लूपहोल्स हैं जिन्हें भरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।